राधे श्याम, सभी को मिले वृंदावन धाम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आए हैं निधिवन की वीडियो लेके, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने अगले ब्लॉग में बताया था आपको कि मैंने सिर्फ रंग महल की वीडियो बनाई थी, निधिवन की नहीं थी। और ये वीडियो हमने निधिवन की बनाई है। चलो आपको दिखाते हैं कैसा है निधिवन। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो हम चलते हैं। और अब हम आ चुके हैं गेट पे, अब हम अंदर जा रहे हैं निधिवन के अंदर। मैं दिखाती हूँ आपको। और कहते हैं फ्रेंड्स, यहाँ जिस पेड़ में फल आता है वो राधा होती हैं, जिसमें फल नहीं आता है वो कृष्ण का रूप लेते हैं फल। और यहाँ पे शाम होते ही स्वयं श्री कृष्ण आके गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। चलो हम दिखाते हैं आपको पूरा वन। और प्लीज़ उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, देखो दिखा रही हूँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये हम सही से नहीं, ये वृक्ष व पेड़ों की जड़ से मिट्टी लेना मना है। मैंने बोला था ना सख्त मना है, क्योंकि जड़ से मिट्टी लेते थे इसलिए जाल लगा दिए हैं। अब हम अंदर नहीं जा सकते, हम ऐसे ही दिखा सकते हैं आपको, खुल के नहीं दिखा सकते अंदर जाके, क्योंकि जाली लगी है। उसके लिए सॉरी, हम माफ़ करें ना हमको। और हम चलते हैं आपको लेके। अब हम जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे राधा श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ होली खेली थी। देखो ये मंकी ऊपर बैठ के फ़ोन छीनने के लिए बैठा है। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत बंदर है, फ़ोन ले जाते हैं, इसलिए वीडियो शूट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। चलो हम चलते हैं। अब हम आ चुके हैं जहाँ पे श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ होली खेली थी। वहाँ पे कहते हैं यहाँ होली खेल के जाओ तो बहुत अच्छा रहता है, यहाँ के मिट्टी यहाँ के रंग से होली खेलने के लिए। तो मैंने भी खेली थी फ्रेंड्स, और देखो मैं भी कलर लगा रही थी अपने। अब हम चलते हैं, दिखाती हूँ आपको, ये सारे लोग होली खेलते हैं यहाँ पे आके। देखो दिखाती हूँ आपको, ये लोग ये खड़े हैं, इन्होंने भी होली खेली थी यहाँ पे। अब हम चलते हैं गेट की तरफ। अब बाहर हम गेट की तरफ जा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये जाली में जाल लगा दिया तो रास्ता बना दिया, इसी होके हमने आपको दिखाया। अंदर नहीं जा सके वन के हम, और क्योंकि जाल लगा था इसलिए अंदर घुस के नहीं दिखाया हमने फ्रेंड्स। अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। अब हम वन से बाहर निकल रहे हैं, और फ्रेंड्स आपको लेके चलते हैं जमुना मैया पे। हाय फ्रेंड्स, अब मैं आ चुकी हूँ जमुना जी पे। देखो जमुना मैया को दिखाती हूँ आपको, हम नीचे जाके दिखाते हैं आपको। अब हम नीचे जाके, चलो हम नीचे चलते हैं और दिखाएं कैसी है। पूरा फोन घुमा के आपको पूरी जमुना मैया दिखाएंगे। गाना सुना है ना, रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, काला काला पानी है पे जमुना मैया का। दिखाते हैं चलो आपको ये दो। और फ्रेंड्स हम सुबह के टाइम आए थे इसलिए भीड़ नहीं है, अगर हम शाम के टाइम आते तो बहुत सारी भीड़ मिलती यहाँ पे, लेकिन हमने सुबह आई थी हम इसलिए भीड़ नहीं है। देखो दिखाते हैं आपको जमुना ही, और ये मैं हूँ, और भैया ही मेरे वीडियो शूट करते हैं मेरी, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करने में दिक्कत होती है, मैंने कभी की नहीं है फ्रेंड्स। अगर कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। देखो दिखाते हैं मैं आपको ये जमुना भैया, देखो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अब हम लेके चलते हैं आपको चीर घाट, जहाँ पे श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। अब वहाँ लेके चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं चीर घाट। ये तो पता नहीं है कान्हा जी मिलेंगे नहीं या नहीं मिलेंगे, पर चलते हैं आपको लेके। कान्हा मिले ना मिले, उनके वस्त्र मिल जाएंगे गोपियों के। चलो चलते हैं आपको लेके। देखो ये है चीर घाट, जहाँ पे ये पेड़ है जहाँ पे श्री कृष्ण बैठ के गोपियों के वस्त्र चुराते थे, मुरली बजाते थे, वो पेड़ है ये। और ये चीर बंधे हुए हैं। और हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।